हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट सेप्स। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्टडी और क्रिकेट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि हम स्टडी और क्रिकेट को मैनेज नहीं कर पाते, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, ना तो क्रिकेट खेल पाते हैं ना वो स्टडी कर पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 7 पॉइंट बताने वाला हूँ जिनसे आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका गेम और स्टडी दोनों इम्प्रूव होना चालू हो जाएगा, एंड इसी के साथ आपको क्लैरिटी मिलेगी और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड गाइस, वन मोर थिंग, अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ही अगर आप और हमसे क्लोज होना चाहते हैं और अपने सजेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ही क्रिकेट स्टेप एक नई चीज़ और एड ऑन कर चुका है। वो क्या है? वो है कि हम लोग पॉडकास्ट पर आ चुके हैं। बेसिकली पॉडकास्ट होता है क्या, मैं आपको बता दूँ, जिस तरह हम यूट्यूब के अंदर वीडियो देखते हैं तो वीडियो के अंदर आपको इमेजेस दिखती हैं और साउंड सुनाई देता है, इसी तरह पॉडकास्ट के अंदर क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ आपको ऑडियो सुनाई देती है, वहाँ पर आपको पिक्चर्स नहीं दिखाई देती। अगर आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं या आप बिजी होते हैं कई बार, तो आप उस पॉडकास्ट को सुनकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो क्रिकेट स्टेप्स हर वीक आपके लिए नया नया पॉडकास्ट लेकर आता रहेगा और आप वहाँ लेकर उसे सीख सकते हैं। और पॉडकास्ट आप सर्च कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप स्पॉटिफाई डाउनलोड करिए, क्रिकेट स्पेस स्टेप्स टाइप कीजिए, आपको क्रिकेट स्टेप्स का लोगो मिल जाएगा और वहाँ जाके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। तो गाइज, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसे 7 टिप्स के बारे में जो क्रिकेट और स्टडी को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेंगे। आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो है मैनेज योर टाइम वेल, यानी कि आपको अपने टाइम को मैनेज करके चलना है। कई बार होता क्या है कि अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करते हो तो आप सिर्फ एक ही चीज़ करते हो, दूसरी चीज़ छोड़ देते हो, और जब आप दूसरी चीज़ को छोड़ते हो तो आपके माइंड के अंदर टेंशन आना चालू हो जाती है। क्या टेंशन आती है? एग्जाम्पल के तौर पर आप स्कूल गए, फिर आप कोचिंग गए, बट आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपके माइंड में होता क्या है, अरे यार मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, अरे यार मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो वो आप लगातार लगातार प्रैक्टिस को छोड़ते रहते हो और आपके माइंड में लगातार लगातार स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो टेंशन में क्रिएट हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप पढ़ाई को छोड़ के फिर क्रिकेट की तरफ भागते हो, तो दोनों चीज़ मैनेज नहीं हो पाती। तो आपको करना क्या है, अगर आपको इस प्रॉब्लम से बचना है तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे आप? सिंपल, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। आप एक दिन पहले टू डू लिस्ट बनाइए कि मुझे कल सुबह उठ के करना क्या है, एक टाइम टेबल बनाइए अपना, ठीक है, कि मेरे को इस समय क्या करना है, मेरे को इस समय क्या करना है, इस समय मैं कोचिंग जाऊँगा, इस समय मैं अकेडमी जाऊँगा, इस समय मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को ये बुक पढ़नी है। आप सारे काम को लिखिए और उनको प्रायोरिटाइज करिए। प्रायोरिटाइज मतलब क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी पिछली वीडियो में, कि जो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले आपने वो काम करना है, राइट। तो जब आप टाइम मैनेज करेंगे तो आपको इसका एडवांटेज क्या होगा, मैं आपको बता दूं, इसका एडवांटेज ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि मेरे को जो अब घर जाके टास्क करना है वो क्या करना है, ठीक है। अगर आपको कोई दोस्त बोलता है वो घूमने, हमें घूमने चलना है, या हमें आज मूवी देखने के लिए जाना है, या आज हमें कहीं जाना है, तो आप जब टू डू लिस्ट निकालोगे ना, तो जब आप उसमें चेक करोगे नहीं यार मेरा काम कुछ और है, तो आप अपने दोस्त को आराम से मना कर सकते हो। और अगर आपके पास टू डू लिस्ट नहीं होती है तो पता क्या होता है, हम उस दोस्त के साथ चले जाते हैं और हम अपना कीमती टाइम वेस्ट कर देते हैं, राइट। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि टाइम आपको मैनेज करना है हद से ज़्यादा। जितना आप लिख के वर्क करेंगे आपको फायदा मिलता चला जाएगा और आपका माइंड ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा कि मेरे को ये काम करना ही करना है, राइट। तो अपने शेड्यूल को पूरा ब्लॉक करके रखिए कि मेरे को पूरे घंटों में क्या क्या काम करना है, उस सबको बहुत हेल्प मिलेगी। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो है चूज अकेडमी नियर बाय, यानी कि जब भी आप किसी अकेडमी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने घर के आसपास अकेडमी ढूंढनी चाहिए। उसका क्या रीज़न होता है, एग्जांपल के तौर पर आप स्कूल जाते हो उसके बाद कोचिंग जाते हो, या आप कॉलेज जाते हो उसके बाद आप कोचिंग जाते हो, फिर जो आपके पास टाइम बचता है ना उसमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है, राइट। तो होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अपने घर से दूर अकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पर सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो मेरे हिसाब से आपको लेजीनेस आ जाती है, अरे यार एक साइड से मेरे को 30-40 मिनट जाने में लगेंगे, फिर 30-40 मिनट मेरे को आने में लगेंगे, मैं क्या प्रैक्टिस कर पाऊँगा। इस तरह की लेजीनेस हमारे माइंड के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है और वो प्रैक्टिस हम लोग कम करना चालू कर देते हैं। अगर आपकी अकेडमी आपके घर के पास रहेगी तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, राइट। आपको जैसे मैंने बताया कि अगर आपको एक साइड से आधे घंटे लगते हैं जाने में या 40 मिनट लगते हैं जाने में, तो आपका अप एंड डाउन का टाइम भी आपको ऑलरेडी 1 घंटा तो वहीं लग चुका, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, राइट, तो बहुत ज़्यादा आप थक जाओगे। तो आपको करना क्या है, घर के पास अकेडमी ज्वाइन करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट की दूरी पे होनी चाहिए, राइट। जब आप वहाँ पर जाओगे प्रैक्टिस करोगे तो जो आपका ट्रैवलिंग का टाइम आप कहीं और लगा रहे थे ना, वो आप प्रैक्टिस पर लगा पाओगे,
और आपके ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है क्रिकेट के अंदर वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो आपको क्रिकेट खेलने का ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है कि घर के पास अकेडमी ज्वाइन करनी है आपने। अब हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो है टेम्पररी इफ योर पेरेंट्स सेज नो फॉर क्रिकेट। देखिए, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जहाँ पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बेटा आप इस साल अच्छे तरीके से पढ़ लो, फिर नेक्स्ट ईयर हम आपको अकेडमी के अंदर भेज देंगे। ऐसा होता है और मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं ऐसा होता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? इस कंडीशन में भी आपको डेडिकेटेड होके क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी है। क्रिकेट की प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? आप गली क्रिकेट ज़्यादा खेल सकते हो, राइट। आप फिटनेस अच्छी कर सकते हो अपनी, आप अपने अंदर स्ट्रेंथ डाल सकते हो, राइट। तो आप मेहनत करो, मतलब आपको मेहनत करनी करनी है, या कोई और स्पोर्ट्स खेल सकते हो। क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स खेलोगे ना कोई और, तो आप स्पोर्ट्स के टच में रहोगे, और जब आप अकेडमी के अंदर जाओगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ये इस बात का मेन पॉइंट है। तो कहने का मतलब है कि आप कोई और भी स्पोर्ट्स खेलो क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करने से पहले, जिस साल आप स्टडी ठीक से कर रहे हो, जिससे आपको क्या होगा कि आप स्पोर्ट्स के आपके अंदर हैबिट बनी रहेगी। जब आप अकेडमी के अंदर जाओगे तो आपको आसानी रहेगी हर चीज़ करने में, वरना क्या होगा आपको अकेडमी टफ लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है, या आप क्रिकेट खेल सकते हो या फिटनेस कर सकते हो, वो आपको चूज करना है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो है यूज योर हॉलीडेज एंड लीव्स प्रॉपरली। मतलब कि जो भी आपको लीव्स मिलते हैं, जो भी आपको छुट्टियां मिलती हैं, आपको उनको प्रॉपरली यूज करना है अपने क्रिकेट के लिए, राइट। आपको क्या करना है, उस लीव्स के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपने रेस्ट पीरियड को मेंटेन करना है ताकि आप स्टडी भी कर सको। एग्जाम्पल के तौर पर आप मंडे टू फ्राइडे बहुत बिजी रहते हो और सैटरडे संडे का आपको ऑफ रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको सैटरडे अच्छी तरीके से क्रिकेट खेलनी है, फिर मॉर्निंग का रेस्ट लेना है, फिर संडे को इवनिंग में क्रिकेट खेलनी है, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको ज़्यादा छुट्टियाँ मिल जाती हैं, एक साथ 8-10 छुट्टियाँ मिल जाती हैं, तो आप क्या करो, उसमें आप 6-7 दिन क्रिकेट खेलो, 3-4 दिन पढ़ो। मतलब 6-7 दिन क्रिकेट ऐसे खेलनी है कि उसमें क्रिकेट ज़्यादा रखनी है और पढ़ाई कम कर देनी है। फिर जब आपके 3-4 दिन बच जाएंगे तो पढ़ाई ज़्यादा कर देनी है, क्रिकेट कम कर देनी है। तो ये आपको स्मार्टली वर्क करना है इस तरीके से। और अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, जो है स्टे कंसिस्टेंट। अब आपने इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी होगी कि अगर आप कोई भी चीज़ लगातार करते हो तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। बट मैं आपको उससे कुछ अलग हट के बात बताने वाला हूँ, कंसिस्टेंट की रियल डेफिनेशन क्या होती है वो आप सुनो। देखिए, कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग गलती कहाँ करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने घर के काम से बाहर जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, और उस दिन हमने लिखा हुआ होता है कि यार मेरे को आज फिजिकल फिटनेस करनी थी। तो जब हम शाम को घर आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग 99% ऑफ द टाइम हम वर्कआउट नहीं करते, घर पे आकर सो जाते हैं, और रीज़न क्या देते हैं कि यार मैं मम्मी के साथ वहाँ गया था इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। ये कई बार हम अपने दोस्त के पार्टी में जाते हैं या बर्थडे पार्टी के अंदर जाते हैं और हमें पता होता है कि मैं 3 से 4 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा, बट मैं नहीं आ पाता, ठीक है, मैं लेट हो जाता हूँ। तो क्या करते हैं हम लोग, हम फिर वर्कआउट छोड़ देते हैं। अब कंसिस्टेंसी किसे बोलते हैं? देखो, जो चैंपियंस होते हैं ना, अगर उन्होंने अपने शेड्यूल के अंदर कुछ लिख रखा है कि मुझे आज ये करना है, तो वो ना दिन देखते हैं ना वो रात देखते हैं, वो उस काम को पूरा करने के बाद ही कुछ और करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने मेवेदर का नाम सुना होगा, वो UFC फाइटर हैं और वो अपनी लाइफ के अंदर एक भी फाइट नहीं हारे, 50-0 उनका रिकॉर्ड है। तो उनका कहना है कि वो अगर कहीं भी पार्टी में जाते हैं ना, और उनका अगर वर्कआउट है कि उन्हें वर्कआउट करना है, तो वो रात की 3 बजे भी वर्कआउट करते हैं, रात की 2 बजे भी वर्कआउट करते हैं, राइट। इसी तरह बहुत सारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए, कॉनर मैकग्रेगर हो गया, बहुत सारे ऐसे चैंपियन हैं जो इस तरह चैंपियन बनते हैं। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, मतलब कि आपको वर्कआउट करना ही करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यार आज मैंने दिन में वर्कआउट नहीं करा तो मैं शाम को भी नहीं करूंगा, आज शाम को तो कोई वर्कआउट नहीं करता, रेस्ट करूंगा। नहीं, अगर आप अपने घर के काम से कहीं जा रहे हो या अपने खुद के पर्सनल काम से कहीं जा रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका वर्कआउट भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा तो आप रात पा के वर्कआउट करो, बट आपको वर्कआउट करना ही करना है, हर एक दिन आपको अपने आप को पुश करना है। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, राइट। कंसिस्टेंसी ये नहीं होती कि आप डेली दिन में वर्कआउट करते हो, जिस दिन आपका दिन का वर्कआउट छूट गया तो आप शाम का वर्कआउट नहीं कर रहे, नहीं। अगर आप दिन में नहीं कर पा रहे किसी रीज़न, तो आपको वो वर्कआउट शाम को करना है, आप शाम को कितनी भी लेट आओ वो मैटर नहीं करता, राइट। तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो ये आपको करनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है आपको आगे बढ़ने का। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे छठे पॉइंट के ऊपर, जो है एक्सेलरेट एंड डी एक्सेलरेट। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कहीं पर अपने एक्सेलरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, कहीं कम करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जब आपके एग्जाम होते हैं ना, आप जब आपके एग्जाम नियर होते हैं
तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम भी क्रिकेट खेलते ही रहते हैं, खेलते ही रहते हैं, और फिर होता क्या है कि पढ़ाई में वो नहीं अच्छा कर पाते या फेल हो जाते हैं, मार्क्स ज़्यादा नहीं आ पाते। तो आपको स्मार्टली क्या काम करना है, आपको जब आपके एग्जाम आते हैं तो आपको अपनी क्रिकेट को कम कर देना है और पढ़ाई को बढ़ा देना है, ठीक है? और जब आपके एग्जाम खत्म हो जाए तो आप ऑब्वियस बात है क्रिकेट को बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे, राइट? तो आपको ये जरूर समझना है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि एक बीच का फेस आता है जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जहां आपकी पढ़ाई भी बैलेंस चल रही होती है, क्रिकेट भी बैलेंस चल रही होती है, तो वहां आपको स्मार्टली ये देखना है कि मैं किस चीज को और बढ़ा सकता हूँ। अपने कोच से बात करिए इसके बारे में, अपने घर वालों से बात करिए इसके बारे में, तो आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता लग जाएगा कि मुझे यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। जैसे आपके ट्रायल आने वाले हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको घर वालों को बोलना चाहिए कि पापा मेरे ट्रायल आ रहे हैं और मैं इसमें क्रिकेट ज़्यादा खेलूंगा, पढ़ाई का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं चीज़ पढ़ाई कर रहा हूँ बट क्रिकेट में ज़्यादा खेलूंगा, तो आपको रोकेंगे नहीं। तो इस तरह आपको स्मार्टली वर्क करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब ट्रायल आ जाते हैं ना तो क्या करते हैं वो, कि तब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा क्रिकेट खेलते हैं, फिर जब वो ट्रायल के अंदर जाते हैं तो सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो आपको ये बात अच्छी तरह समझनी है कि एक्सेलरेशन कहाँ देना है और एक्सेलरेशन को कहाँ स्टॉप करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट पॉइंट, जो मेरे हिसाब से एक बोनस पॉइंट है आपके लिए। अगर आपने पहले 6 पॉइंट समझे और आपने उसको फॉलो किया तो आपको 100 out of 80% का फायदा हुआ, और अगर आपने 7 पॉइंट को समझा तो आपको 100 out of 100% का फायदा होगा। तो वो फायदा उठाने के लिए आपको अच्छी तरह समझना है कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। 7th पॉइंट है हमारा रिमूव स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है, अब आप टाइम भी मैनेज कर रहे हो, आपने अकेडमी घर के पास भी सर्च कर ली, आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, अपने हॉलीडेज को सही सही तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो अब आपको क्या करना है? मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पे 99% बच्चे, और 100% भी बोल सकता हूँ मैं, 99% बच्चे फेल हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने शेड्यूल को किसी और बच्चे से कंपेयर करना चालू कर देते हैं जो उनसे ज़्यादा वर्कआउट करता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमें ये लगता है कि यार मैं तो कम वर्कआउट कर रहा हूँ, यार वो तो वो कर रहा है, उसने कल वो किया, वो उस एकेडमी के अंदर जाता है, वो उस कोच के पास जाता है, वो ये करता है, वो करता है। हम उसे इतना बड़ा बना लेते हैं ना कि हम कंपेयर करते करते अपनी प्रोडक्टिविटी को घटाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। आप हमेशा ध्यान रखना, सामने वाले की कंडीशन कुछ और होती है और आपकी कंडीशन कुछ और है। आप अपनी कंडीशन में बेस्ट वर्क करो और उसको उसकी कंडीशन में बेस्ट वर्क करने दो। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अगर आप अपने आप को कंपेयर करोगे ना किसी से तो 100% आप पे स्ट्रेस आएगा ही आएगा। तो आपको अपने आप को किसी से कंपेयर करने से बचना है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही छोड़ दो आप कंपेयर करना। आप अपने काम पे फोकस करो जितना ज़्यादा हो सकता है। ये जो मैं आपको 6 पॉइंट बता चुका हूँ, इन्हें मेंटेन करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप इन पर फोकस करोगे, अगर आप फोकस नहीं करोगे तो इन्हें मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, राइट? तो ये आपको समझना है, आपको कंपेयर नहीं करना, जिसकी वजह से आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं आएगा। तो ये 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो हाउ टू मैनेज स्टडी एंड क्रिकेट, एंड आई होप कि आपको हमारे 7 के 7 पॉइंट बहुत अच्छे लगे होंगे और आप उनको डेफिनेटली फॉलो करने वाले हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या क्रिकेटर बनने के लिए सोर्स और पैसा ज़रूरी होता है, इनके क्या क्या रोल होते हैं हमारे लाइफ के अंदर, और ये कितना इफेक्ट करते हैं हमें, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच, कीप सपोर्टिंग क्रिकेट स्टेप्स।